स्कूटर दुनिया भर के शहरों में परिवहन का एक लोकप्रिय साधन है। वे सुविधाजनक, पार्क करने में आसान और पर्यावरण के अनुकूल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्कूटर साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म से लेस होते हैं? साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म के साथ आप अपने पड़ोसियों को जगाए बिना अपना स्कूटर स्टार्ट कर सकते हैं। स्कूटर में साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म अन्य रेगुलर स्कूटरों की तरह ही काम करता है। ये स्कूटर भी एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलता है और जब राइडर इग्निशन ऑन करता है तब मोटर कंट्रोलर मोटर को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल भेजता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आपके स्कूटर पर होने के क्या फायदे और नुकसान होते हैं। अगर आपने ऑटोजिनियर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे और भी लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके। आइए बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टर मोटर स्टार्टर सिस्टम के बारे में जानते हैं, जो कि लगभग सभी स्कूटर्स में लगा हुआ रहता है। स्टार्टर सिस्टम का काम इंजन को 1000 आरपीएम तक रोटेशन देना होता है, जिसके बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है और स्टार्टर सिस्टम बंद हो जाता है। इंजन को रोटेशन देने का काम स्टार्टर मोटर बेंडिक्स ड्राइव गियर के साथ करती है, जिसके ऑन होने पर एक अलग नॉइज होती है जो कि इंजन स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाती है। ये रेगुलर किक स्टार्ट या स्टार्टर मोटर से अलग है, जो इंजन स्टार्ट करते समय तेज आवाज करता है। साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म एक ऐसी सुविधा है जो स्कूटर को बिना शोर किए स्टार्ट करवाती है। साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म अन्य स्कूटरों की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें स्टार्टर मोटर और उसके साथ रोटेट और नॉइज करने वाले गियर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इंजन की स्टार्टिंग साइलेंट होती है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म में ACG को स्टार्टर मोटर के रूप में उपयोग किया जाता है और ACG के माध्यम से साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म बनाया गया है। ACG का फुल फॉर्म है अल्टरनेटर करंट जेनरेटर, जो कि सभी इंटरनल कंबुसशन इंजन में होता है। ACG में इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन करके एक स्टार्टर मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से इसमें स्टार्टर मोटर और अल्टरनेटर का एक साथ लगा होता है। ये स्कूटर को सुचारू रूप से और साइलेंट तरीके से इंजन को स्टार्ट करने की अनुमति देता है, बिना जोर शोर के, जो आमतौर पर पारंपरिक स्टार्टर मोटर से होता है। वर्किंग प्रिंसिपल, जब सवार स्टार्टर बटन दबाता है, ACG स्टार्टर मोटर अल्टरनेटर फंक्शन के माध्यम से इंजन को पावर देता है और उसी समय स्टार्टर मोटर इंजन को चालू होने तक घुमाता है। ACG स्टार्टर मोटर भी इंजन के चलने के दौरान बैटरी को चार्ज करती है, बैटरी पर लोड कम करती है और लो बैटरी वोल्टेज की स्थिति में भी प्रॉपर स्टार्टिंग सुनिश्चित करती है। कुल मिलाकर स्कूटर में साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म एक शांत और सुगम सवारी का अनुभव प्रदान करता है, जो भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। हर फीचर के पाने कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, एक एक करके इनको जानते हैं। एडवांटेज ऑफ साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म इन स्कूटर्स। सबसे पहला एडवांटेज है लो नॉइज पोल्यूशन। साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म का प्राथमिक लाभ यह है कि यह स्टार्टअप के दौरान स्कूटर द्वारा उत्पन्न शोर को काफी कम कर देता है। यह शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां ध्वनि प्रदूषण एक महत्वपूर्ण समस्या हो सकती है। ये राइडर के राइडिंग के अनुभव को और उनके आसपास के लोगों दोनों के लिए अधिक सुखद और आरामदायक बना सकता है। दूसरा एडवांटेज है स्मूथ और सीमलेस स्टार्टिंग। साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म स्कूटर को बिना किसी झटके या तेज आवाज के आसानी से और बिना रुकावट स्टार्ट करता है। ये स्कूटर के कंपोनेंट्स के लाइफ को बढ़ाने और टूट फूट को कम करने में मदद करता है, साथ ही सवार के लिए अधिक आरामदायक सवारी अनुभव प्रदान करता है। तीसरा एडवांटेज है लॉन्ग बैटरी लाइफ। साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म में इस्तेमाल की जाने वाली ACG स्टार्टर मोटर स्कूटर की बैटरी की लाइफ बढ़ाने में भी मदद करती है। इंजन को स्टार्ट करने के दौरान बैटरी पर लोड कम होने से बैटरी पर कम स्ट्रेस होता है और जिससे बैटरी अधिक समय तक चल सकती है। डिसएडवांटेज ऑफ साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म इन स्कूटर्स। पहला डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स डिजाइन। एक साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म स्कूटर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, जिससे मेंटेनेंस और रिपेयर और अधिक कठिन और महंगी होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट।
लगने वाले कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी के कारण साइलेज स्टार्ट मैकेनिज्म वाले स्कूटर बिना साइलेज स्टार्ट मैकेनिज्म वाले की तुलना में और अधिक महंगे हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है कम पावर एंड टॉर्क। साइलेज स्टार्ट मैकेनिज्म स्टार्टअप के दौरान मोटर में करंट के प्रवाह को सीमित करते हैं, जिससे स्कूटर की पावर और टॉर्क आउटपुट को भी कम होता है। हालांकि यह रोजमर्रा के उपयोग में ध्यान देने योग्य नहीं हो सकता है। यह उन सवारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है जिन्हें अपने स्कूटर से हाई लेवल के प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है जो कि हिंदी भाषा में है, जिस मान वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें। अंत में, स्कूटर में साइलेज स्टार्ट मैकेनिज्म कई फायदे प्रदान करता है, जैसे कम ध्वनि प्रदूषण, स्मूथ स्टार्टिंग और बढ़ी हुई बैटरी लाइफ। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिनमें बढ़ी हुई कम्प्लेक्सिटी, ज्यादा लागत और कुछ मामलों में कम पावर और टॉर्क आउटपुट शामिल है। कुल मिलाकर एक साइलेज स्टार्ट मैकेनिज्म के लाभों की कमियों को दूर करने की संभावना है, विशेष रूप से उन राइडर्स के लिए जो एक साइलेज और अधिक आरामदायक सवारी अनुभव को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि साइलेज स्टार्ट मैकेनिज्म वाले स्कूटर को चुनने से पहले राइडर की विशिष्ट आवश्यकताओं और वरीयताओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अतिरिक्त जटिलता या लागत लाभ द्वारा उचित है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। इस तरह के और भी ऑटोमोबाइल से जुड़ी रोचक वीडियोस के लिए ऑटोजेनिय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।